हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर एजुकेशन पे। फ्यूचर एजुकेशन आपको उपलब्ध करवा रहा है बिल्कुल सही और सटीक जानकारी। तो फ्यूचर एजुकेशन ने ठाना है स्टूडेंट्स को केवल सही और सटीक जानकारी ही उपलब्ध करवाना है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं RJS प्री की जो परीक्षा रविवार को आयोजित हुई है उसके बारे में। आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं कि इसमें किन प्रश्नों पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हुआ है और आपकी जो कट ऑफ है वो कितने जा सकती है, एक अनुमान यहाँ पर बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी के सामने लेकर हाजिर है जो आज की जो प्रश्न है उनके बारे में जानकारियाँ। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो तीन प्रश्न हैं उन प्रश्नों ने स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया है। और आपको बता देना चाहूँगा, जो एक्सपर्ट है उन सभी का मानना है कि हिंदी का एक जो प्रश्न है वो आउट ऑफ सिलेबस आया है और लोक का एक प्रश्न पुराने एक्ट से आने की बात भी कही है, साथ ही इसे हटाए जाने की संभावना भी जताई है। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजिंग रहे हैं। हिंदी में जो अलंकार वाला जो प्रश्न आया है आपके जो पेपर में, वो उसको माना गया है कि यह है आउट ऑफ सिलेबस है। सिलेबस में इसका वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन चूंकि पेपर में इसका प्रश्न दिया गया है सो ये एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन माना गया है एक्सपर्ट के द्वारा। आगे आपको बता देना चाहूँगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और प्रश्न है जे एक्ट का सेक्शन 86 का एक प्रश्न पुराने जे एक्ट से है, इसलिए स्टूडेंट्स का मानना है कि वह भी हटाया जा सकता है। हिंदी का पेपर जो था वो सामान्य था, लेकिन अंग्रेजी का थोड़ा टफ रहा है। कुछ प्रश्न सभी स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजिंग थे और कुछ सवाल उन धाराओं से थे जो रिपील कर हटाई जा चुकी है। ये जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका ऐसा मानना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। एक और प्रश्न है जो कि हिंदी के पेपर में आया है, वो प्रश्न है निषेध का संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स, निषेध का जो संधि विच्छेद है वो होना चाहिए नी प्लस सेध, ये होता है, जबकि ऑप्शन में ये दिया ही नहीं गया था। ऑप्शन में कहीं भी उसमें नी के आगे हलंत लगा है, इसलिए सही उत्तर ही मौजूद नहीं है। तो वहीं अनुप्रास अलंकार का प्रश्न सिलेबस से बाहर का है। इन दोनों प्रश्नों पर आपत्ति उठेगी तो इन्हें हटाना पड़ सकता है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आप सभी से कट ऑफ के बारे में बात कर लेना चाहूँगा। फ्रेंड्स, आपकी जो RJS प्री परीक्षा का जो कट ऑफ है वो लगभग 63% से ऊपर जाने की संभावना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।